हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब के इस एडवेंट एडू चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज स्टार्ट हुआ है, खासतौर से यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। और इस वीडियो सीरीज में हम फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसका आंसर कैसे लिखना है इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार एग्जाम में जनरली हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिया जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि गाउस के नियम का कथन लिखिए। तो जब पूछा जाए कि कथन लिखिए या गाउस का नियम क्या है, छोटे नंबर में पूछा जाए यानी कि लघु उत्तरी में पूछा जाए या फिर अति लघु उत्तरी में पूछा जाए, तो आपको केवल स्टेटमेंट लिखना है, उसका कथन लिखना है, उसको डेरिवेशन करके अपना टाइम लॉस मत कीजिएगा। और जब आपसे डेरिवेशन भी पूछा जाए तभी आप डेरिवेशन कीजिएगा। तो अगर आपसे कथन पूछा जाता है तो गाउस के नियम का कथन आप इस तरीके से लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट, या फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। तो ये है हमारे गाउस के नियम का स्टेटमेंट। अब इसका अगर डेरिवेशन भी पूछा जाए, उपपत्ति भी पूछी जाए, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु पर, बिंदु ओ पर क्यू आवेश स्थित है तथा क्षेत्रफल अवयव डीए पर बिंदु पी स्थित है तथा वेक्टर डीए व वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के बीच कोण थीटा है, वह ओपी बराबर आर है तथा डी ए से निर्गत फ्लक्स डी फाई ई है। तो जिन जिन चीज़ों, जिन जिन अवयवों का हम प्रयोग करना चाहते हैं उन सब के बारे में आप पहले ही एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए। अब आते हैं अपने काम पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर आवेश क्यू रखा हुआ है और इस आवेश क्यू यानी कि बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है और बिंदु पी इस बंद पृष्ठ पर ही स्थित है। तो बिंदु पी पर हमने एक छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए ले लिया जिसका क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि वेक्टर डी ए, जैसा कि हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये है वेक्टर डी ए, ये क्षेत्रफल वेक्टर है और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच कोण बन रहा है थीटा। तो ये कोण थीटा बन रहा है। तो अब हम बिंदु P पर तीव्रता की गणना करेंगे। तो बिंदु P पर तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने K का यूज नहीं किया है क्योंकि हमने मान लिया है कि माध्यम जो है वो या तो वायु है या तो फिर निर्वात है। तो वायु तथा निर्वात के लिए K का मान, परावैद्युतांक K का मान एक होता है, इसीलिए हम यहाँ पे K की वैल्यू 1 मानते हुए K को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए P पर तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो पूरा संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। तो डी फाई ई कितना है? डी फाई ई यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी फाई ई। तो डी फाई ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो हमें इसका सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और हमें पता है कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे ई को बाहर ले रहे हैं तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू सरफेस इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा प्राप्त हुआ। अब E की वैल्यू हम रखें क्योंकि यहाँ पे हम E की वैल्यू निकाल चुके हैं कि 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ हम E के इस मान का प्रयोग करेंगे जो कि आया q/4πε0। और ध्यान रखिएगा जो आर स्क्वायर है, यहाँ का आर स्क्वायर, उसको हमने अंदर कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से फाई ई इज इक्वल टू q
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हुआ। और हमें पता है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये घन कोण के बराबर होता है। तो चूंकि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है तो सूक्ष्म घन कोण भी प्राप्त होगा, तो इसलिए फाइ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा हमें प्राप्त हुआ। तो डी ओमेगा यानी कि सूक्ष्म घन कोण का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका मान 4 पाई के बराबर प्राप्त होगा। तो इसलिए फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई हमें प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं कि 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जा रहे हैं, तो प्राप्त क्या हो रहा है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही गॉस का नियम है, अगर बंद पृष्ठ के अंदर कई प्रकार के आवेश हों जैसे कि Q1, Q2, Q3, Qn तक अगर आवेश रखे गए हैं तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई प्रत्येक आवेश के कारण निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। तो प्रत्येक आवेश यानी कि Q1 आवेश के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो होगा फाई वन, और Q2 आवेश के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो होगा फाई टू। इसी प्रकार से Qn आवेश के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो होगा फाई एन, और फाई वन की वैल्यू कितनी होगी, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। फाई टू की वैल्यू कितनी होगी, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। और Qn की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्सों का योग ही संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। और समेशन क्यू क्या है, ये बंद पृष्ठ के भीतर सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गॉस का नियम कथन से संबंधित या फिर निगमन से संबंधित, और कभी कभी इस पर एक स्पेशल केस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश हों तो फिर फ्लक्स का मान कितना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।